जय हिंद बुंदेलखंड न्यूज 24 में आप सभी का स्वागत है। मैं साहिबा बानो। चलिए रुक करते हैं महोबा की कुछ अहम खबरों का। मामला कुलपहाड़ कोतवाली क्षेत्र के झांसी मानिकपुर रेलवे ट्रैक का है, जहां कुलपहाड़ कस्बे के राजा वार्ड निवासी 60 वर्षीय अशोक रिछारिया आज सुबह अपने घर से खेतों की रखवाली करने गया हुआ था। तभी खेत में अन्य पशुओं को देखकर उन्हें खेत से भगाने के दौरान कोहरा होने के चलते अचानक रेलवे ट्रैक के पोल नंबर 1243 के पास ट्रेन की चपेट में आ गया, जिससे वृद्ध किसान की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। स्थानीय लोगों व लाइनमैन की सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पंचनामा भर पोस्टमार्टम को भेज अग्रिम कार्यवाही में जुट गई है। परिजनों की माने तो मृतक अशोक रिछारिया को पिछले 35 वर्षों से एक कान से सही से सुनाई नहीं देता था। घटना के बाद परिजनों में कोहराम मच गया। महोबा से संवाददाता यागवेंद्र सिंह की रिपोर्ट। मेरे चाचा श्री अशोक कुमार रिछारिया जी डेली अपने खेतों पे जाते थे, अपने खेतों की देखभाल करते थे और डेली की भांति आज भी वो अपने खेतों पर गए। सवेरे 5 बजे घर से निकले और सवेरे चाय भी पी। चाची ने पूछा उनसे कि कहाँ जा रहे हो, तो पूछा कि खेतों पर जा रहे हैं, निकल गए। पैदल पैदल जाते थे, आज भी पैदल गए हैं। और जाने के बाद उन्होंने अपने खेत के पूरे चक्कर लगाए और चक्कर लगाने के बाद कोई गाय जानवर कुछ भी उनके खेतों में था तो उसको भगाने के चक्कर में और वो पटरियों के पास चले गए। उनको वैसे कम सुनाई देता था, कम से कम 25-30 साल से उनको एक कान की बीमारी हो गई थी जिससे वो उनको कम सुनाई देता था। ट्रेन कब आ गई, कब उसका हॉर्न बजा, इनको कुछ भी मालूम नहीं पड़ा और वो ट्रेन की चपेट में आ गए और वहीं पर गिरकर उनकी मृत्यु हो चुकी है। आज कुलपहाड़ के अशोक रिछारिया जी सुबह 6 बजे बता रहे हैं कि खेत घूमने के लिए गए थे। उर्फ उनको बहरे महाराज भी बताया जाता है, इनको सुनने में आया कि उनको बहरे महाराज भी कहा जाता है जी। उनके लोगों ने बताया कि वो गए थे खेत घूमने के लिए, पटरी क्रॉस कर रहे थे, एक्सीडेंट में उनकी दुर्घटना में मृत्यु हो गई है, विधिक कार्रवाई की जा रही है।